आज की ब्रेड बाइट स्नैक्स रेसिपी उन लोगों के लिए खास है जो मेरी तरह नए नए स्नैक्स खाना पसंद करते हैं। ब्रेड बाइट्स यकीनन इतने यमी हैं कि आप इन्हें एक बार खाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड में डीजी को सब्सक्राइब कर लें और हम ब्रेड बाइट्स बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तब गैस मीडियम पर सेट करें और इसमें डालें 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, तकरीबन 2 चुटकी हींग, बारीक काटी हुई 1 हरी मिर्ची, 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट और बारीक काटा हुआ 1 प्याज डालकर प्याज को अच्छे से भून लें। लगभग 1.5 से 2 मिनट भुनने के बाद जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब इसमें डालें बारीक काटी हुई 1 शिमला मिर्च और इसे भी थोड़ा भून लें। अब मैं गैस मीडियम लो पर सेट करूंगी और इसमें मसाले डालूंगी। मसालों में मैंने लिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिला दें। 1.5 से 2 मिनट मसालों को मीडियम लो गैस पर अच्छे से भून लें ताकि ब्रेड बाइट्स की स्टफिंग में मसालों का बढ़िया फ्लेवर आए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ उबले हुए 3 आलू। इसे सब्जियों और मसालों में अच्छे से मिला दें। अब इसमें 200 ग्राम पनीर को इस तरह टुकड़ों में तोड़कर डालें। इसे भी मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर दें। पनीर इन ब्रेड बाइट्स की स्टफिंग का मेन इंग्रेडिएंट है जिससे ब्रेड बाइट्स खाने में बहुत सॉफ्ट लगेंगी। क्योंकि पनीर मोस्टली बच्चों को बहुत पसंद होता है तो वो भी इन ब्रेड बाइट स्नैक्स को बड़े चाव से खाएंगे। अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक काटा हुआ 2 चम्मच धनिया। धनिया डालने से स्नैक में एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो मैं पर्सनली हर स्नैक में धनिया डालना प्रेफर करती हूँ। अब ब्रेड बाइट्स बनाने के लिए स्टफिंग बनकर तैयार है। स्टफिंग को फिलहाल ठंडा होने के लिए अलग रख दें। जितनी देर में हम ब्रेड के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं, ब्रेड बाइट्स के लिए मैं एक मिक्सिंग बाउल में डाल रही हूँ 3/4 कप बेसन। इसमें 1/2 चम्मच अजवायन इस तरह मसल कर डालें ताकि इसके दाने मुंह में ना आए। इसमें लगभग 2 चुटकी हींग डालकर मिला दें। जब भी बेसन से कोई स्नैक बनाएं तो डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए अजवायन और हींग का इस्तेमाल जरूर करें। अब इसमें 1/3 चम्मच नमक डालकर मिला दें। इस बेसन में मुझे पानी डालकर इसका बैटर तैयार करना है तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर मिलाएं ताकि इसके लम्स ना बन पाए। फिलहाल मैंने 1/2 कप पानी डालकर मिलाया है। अब इसमें मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिला देती हूँ ताकि बैटर का रंग भी बढ़िया आए। बैटर मुझे थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी का चाहिए तो अब मैं इसमें थोड़ा और पानी डालकर मिला रही हूँ। कुल मिलाकर मुझे पानी भी बेसन की क्वांटिटी जितना ही इस्तेमाल करना है, यानी पानी भी मैंने 3/4 कप डाला है। अब लास्ट में स्नैक्स को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर मिला रही हूँ। ब्रेड बाइट स्नैक्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि मैंने इसे कितना पतला बनाया है। अब मैं फटाफट से ब्रेड स्लाइसेस तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए इस तरह ब्रेड स्लाइस लें और इसे बेलन से बेलकर थोड़ा पतला कर लें। इतनी देर में स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब ब्रेड स्लाइसेस को बेलने के बाद मुझे इसमें स्टफिंग फिल करनी है। एक एक करके ब्रेड स्लाइस रखते जाएं और इनकी एक साइड पर इस तरह से स्टफिंग फिल करते जाएं। अब मुझे स्टफिंग ब्रेड स्लाइस के अंदर इस तरह लॉक करनी है, जिसके लिए ब्रेड स्लाइस के तीनों तरफ इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगा लें। अब ब्रेड स्लाइस को इस तरह से रोल करें और स्टफिंग को ब्रेड के अंदर इस तरह से लॉक कर दें। ये देखिए, अब ये स्नैक फ्राई करने के लिए तैयार है। इसी तरह मैं सारी ब्रेड स्लाइसेस के अंदर स्टफिंग भर लूंगी। तैयार की हुई स्टफिंग की क्वांटिटी 10 से 12 ब्रेड स्लाइसेस के लिए काफी रहेगी। सभी ब्रेड स्लाइसेस अच्छे से रोल हो गए हैं तो चलिए अब मैं फटाफट से इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। जिसके लिए एक पैन में थोड़ा तेल डालें। जब भी कोई फ्राइड स्नैक बनाएं तो तेल हमेशा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें जो सेहत के लिए भी सही हो। अब तैयार किए हुए स्नैक्स को बेसन के बैटर में इस तरह से डिप करें और इन्हें गर्म तेल में डालकर फ्राई कर लें।
तेल गर्म हो जाने पर मैंने गैस मीडियम हाई पर सेट कर दी थी, क्योंकि ज्यादा हीट पर ब्रेड स्नैक्स एकदम से जल भी सकते हैं। इन्हें उलट पलट कर मैं बारी बारी दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लूंगी, ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। जब भी ब्रेड के फ्राइड स्नैक्स बनाते हैं तो ब्रेड ऑयल थोड़ा ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेती है, इसलिए ऑयल हमेशा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम हाई गैस पर फ्राई करने पर जब स्नैक्स का रंग गोल्डन ब्राउन सा नजर आने लगे, तब ये बनकर तैयार हैं। इनका मैक्सिमम ऑयल ड्रेन कर लें और अब इन्हें मैं अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लूंगी, ताकि इनका बचा कुछ ऑयल भी अब्सॉर्ब हो जाए। इन टेस्टी स्नैक्स को मैं इस तरह बीच में से काट कर टोमेटो केचप के साथ सर्व करूंगी। ये ब्रेड बाइट्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती हैं, इसलिए ब्रेड बाइट स्नैक्स खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आपको ये ब्रेड बाइट स्नैक्स पसंद आए हैं तो अभी मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।